श्वेता तिवारी को भी हुआ कोरोना, तबियत खराब होने पर करवाई थी जांच। आइए जानते हैं क्या कहता है उनका टेस्ट। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आपका बेखत लाइंस पर। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। हाल ही में शादी मुबारक फेम एक्ट्रेस राजेश्वरी सचदेव को भी कोरोना हो गया था, जिसके बाद मेरे डैड की दुल्हन में काम कर रहे राजेश्वरी के पति और एक्टर वरुण बडोला ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। अब चर्चा है कि वरुण बडोला की मेरे डैड की दुल्हन के को स्टार श्वेता तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो सकती हैं। आपको बता दें कि आप इस खबर के बारे में श्वेता से संपर्क करने की कोशिश की गई तो बात नहीं हो पाई है फिलहाल, लेकिन एक सोर्स ने बताया है कि कुछ वक्त पहले श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना की जांच के लिए टेस्ट करवाया था और इसके बाद कोई खबर अब तक नहीं आई है। ऐसी आपको बता दें कि ऐसी ही चर्चा है कि श्वेता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उन्होंने ना तो इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और ना ही प्रोडक्शन हाउस ने इसके बारे में कुछ भी बताया है, इसीलिए अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि श्वेता तिवारी को कहीं कोरोना तो नहीं, क्योंकि अचानक उनकी तबीयत ऐसे बिगड़ गई है। मेरे डैड की दुल्हन की शूटिंग अभी जारी है। जब आपको बता दें कि प्रोड्यूसर्स ने आपको टोनी और दिया सिंह से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने ना तो फोन का जवाब दिया और ना ही मैसेज का। तो अब आपको बता दें कि श्वेता तिवारी मेरे डैड की दुल्हन में गुनीत का रोल प्ले कर रही हैं। अब क्या ये शूटिंग आगे जारी रहेगी या नहीं, ये डिपेंड करता है श्वेता तिवारी के रिपोर्ट्स पर। तो आइए अब आगे जानेंगे कि आखिर उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। आप भी बताइए अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट सेक्शन में, और तमाम बॉलीवुड की खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।